मित्रों, आज हम यहाँ ऋग्वेद संहिता के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे और यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित समस्त प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप और आगे आने वाले वीडियो से सीधे जुड़ पाएंगे। देखें, ऋग्वेद संहिता जो है यह संपूर्ण वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और देखा जाए तो परिमाण की दृष्टि से यह चारों वेदों में सबसे बड़ा है, विशालकाय है। ऋग्वेद को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, या फिर इसके दो प्रकार के विभाजन उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद संहिता जो है, इसके दो प्रकार के विभाजन उपलब्ध होते हैं, या इसे दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं। देखें कौन कौन से, एक तो मंडल क्रम में यह मिलता है और दूसरा अष्टक क्रम में। मतलब दो प्रकार से इसके विभाजन हैं, दो प्रकार से यह बांटा गया है और इसके दो विभाजन हमें प्राप्त होते हैं। देखें तो जो अष्टक क्रम में प्राप्त होता है, उस अष्टक क्रम के हिसाब से इसमें 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,580, सही 1/4 भी बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाता है, 10,580 मंत्र। तो इस प्रकार से इतने मंत्र हैं। यह विभाजन रहा अष्टक क्रम का, कि अष्टक क्रम में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग, 10,580 मंत्र हैं। इसके बाद में जो दूसरा क्रम है, मंडल क्रम, तो देखें मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। ध्यान से यहां पर देखते जाए, 10 मंडल हैं और उन 10 मंडलों के अंतर्गत 85 अनुवाक हैं, और उन अनुवाकों में भी 1,028 सूक्तों में विभक्त है। 1,028 सूक्तों में विभक्त है, मतलब 1,028 सूक्तों में, और मंत्रों की संख्या दोनों में बराबर है, क्योंकि केवल बांटा गया है तो मंत्रों की संख्या बराबर ही होगी। देखें यहां से और आगे, तो यहां मंडल क्रम के बारे में बताया है, यहां मंडल क्रम दिया हुआ है। तो जो पहला मंडल है ऋग्वेद का, पहला मंडल, पहले मंडल में 191 सूक्त हैं, 191 सूक्त, और उसके बाद में 2,006 मंत्र हैं। इसके प्रमुख ऋषि जो हैं वह मधुच्छंदा, मेघातिथि और दीर्घतमा, यह तीन ऋषि इसके प्रमुख ऋषि हैं पहले मंडल के। जो दूसरा मंडल है, दूसरे मंडल में 43 सूक्त हैं, और इसमें जो मंत्रों की संख्या है वह 429 है, केवल 429 मंत्र हैं। और इसके जो ऋषि हैं वह ग्रत्स मद, इन्हें ग्रत्स मदा भी बोलते हैं, तो यह ग्रत्स मद जो है यह इनके प्रमुख ऋषि हैं। देखें तीसरा मंडल, जो कि इसमें 62 सूक्त हैं, 617 मंत्र हैं, और विश्वामित्र जी इसके प्रमुख ऋषि हैं। देखें आगे, जो कि वामदेव जी इसके ऋषि हैं, चौथा मंडल है, चौथे मंडल में 58 सूक्त हैं, 58 सूक्तों के बाद में मंत्रों की संख्या देखें तो 589 मंत्र हैं, और वामदेव जी इसके प्रमुख जो देखे जाए तो फिर वामदेव जी इसके प्रमुख ऋषि हैं। पांचवा मंडल, पांचवा मंडल जो है, यहां आप लोग ध्यान से देखते जाएं, पांचवा, तो ये पांचवा मंडल है, पांचवे मंडल में केवल 87 जो पांचवा मंडल चल रहा था, पांचवे मंडल में 87 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या 727 है, अत्रि इसके ऋषि हैं। छठवा जो देखें, छठवा मंडल, इसमें 75 सूक्त हैं और 765 इसमें मंत्र हैं। देखते जाए, भारद्वाज इसके प्रमुख ऋषि कहे गए हैं। अब सातवें मंडल पर चलते हैं, सातवां मंडल है, सातवें मंडल में 104 सूक्त हैं और 841 इसमें मंत्र हैं। जो ऋषि वशिष्ठ हैं, यह ऋषि वशिष्ठ इसके प्रमुख ऋषि कहे गए हैं। देखें आठवा, तो आठवें मंडल में 192 सूक्त हैं, 1761 श्लोक हैं। इसके कण्व, भृगु और अंगिरस, यह प्रमुख ऋषि कहे गए हैं। अब यहां से वालखिल्य सूक्त जो है यहां दिया हुआ है, ये देखें ध्यान से, तो ये वालखिल्य सूक्त के बारे में बताया है, कि वालखिल्य जो सूक्त है वह यहां पर है। देखें आगे, नौवा, जो कि नौवा मंडल है, नौवे मंडल में 114 सूक्त हैं और 1108 जो कि मंत्र हैं इसमें, सोम और पवमान जो कि इसके प्रमुख ऋषि हैं। अब ऋग्वेद का अंतिम मंडल जो है, दसवां मंडल, इसमें 191 सूक्त हैं। आप लोगों ने ऊपर देखा था, पहला जो मंडल था उसमें भी 191
सूक्त थे, और इसमें भी जो दसवां मंडल है इसमें भी 191 ही सूक्त हैं। देखते हैं यहां ध्यान से यहां पर, और इसमें जो मंत्रों की संख्या है वह 1754 मंत्र हैं, और इसके जो प्रमुख ऋषि हैं वह त्रित, विमद, श्रद्धा और कामायनी आदि इनके जो ऋषि हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख याद रखने वाली बात है वह यही है कि मंडल क्रम में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों के अंतर्गत 85 अनुवाक हैं, उन 85 अनुवाकों में 1028 सूक्त हैं और 10580 से ही 1/4 मंत्र हैं। और जो ऊपर अपन ने पढ़ा था अष्टक क्रम, तो अष्टक क्रम में यदि देखा जाए तो अष्टक क्रम में क्रमशः 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 224 वर्ग हैं, और उनके अंतर्गत फिर इतने मंत्र हैं। इस प्रकार से यह एक क्रम विभाजन हुआ। आगे देखते हैं, यहां देखें तो एक विशेषता बता दी मंडलों की कि सोम संबंधित मंत्रों की, जहां पर सोम संबंधित मंत्रों की अधिकता के कारण जो नौवां मंडल है उस नौवे मंडल को क्या कहते हैं, सोम पवमान। ये जो सोम पवमान है यह सोम पवमान नाम का मंडल कहा जाता है। किसकी अधिकता होने के कारण, सोम संबंधित मंत्रों की अधिकता होने के कारण इसे जो नौवां मंडल है इसे सोम पवमान मंडल कहा जाता है। अगला देखें, अष्टम मंडल में 49 से 59 वह जो सूक्त है, आठवें मंडल का 49 से 59 वह सूक्त है, इसे बालखिल्य सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। यह इन मंडलों की विशेषता है। आगे देखें क्रमशः, तो अब जो ऋग्वेद संहिता थी उस ऋग्वेद संहिता की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो ऋग्वेद संहिता की प्रमुख शाखाएं महर्षि पतंजलि के अनुसार तो 21 शाखाएं बताई हैं, लेकिन जो सोनक आदि ऋषि हैं उनके चरण व्यूह नामक ग्रंथ के अनुसार इन शाखाओं को अलग भागों में विभाजित किया गया है। देखें तो यहां पर केवल 4 शाखाएं इनकी प्राप्त होती हैं। 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं क्रमशः देखते जाए, यहां 4 शाखाएं हैं लेकिन मिस्टेक हो गया है, एक 5 शाखाएं हैं, यहां पर आप लोग 5 कर लें। जो अंतिम शाखा है मांडुकायन शाखा, मैंने यहां देखा 4 शाखाएं हैं, 4 गलती से 5वीं शाखा टाइप नहीं हुई है। देखें, पहली शाखा है जो साकल शाखा, दूसरी वास्कल शाखा, तीसरी आश्वलायन शाखा, चौथी सांखायन शाखा और 5वीं मांडुकायन। आप लोग यहां अपने मन से एक और शाखा लगा लें, 5वीं शाखा, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहां जो सोनक जो ऋषि थे उनके चरण व्यूह नामक ग्रंथ के अनुसार 5 शाखाएं हैं, जो कि इन 5ों शाखाओं में एक जो पहली वाली शाखा है वह अधिक प्रचलित है, साकल शाखा। एक बार और नाम सुन लें, साकल, वास्कल, साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांखायन और मांडुकायन। अंतिम शाखा कौन सी है, मांडुकायन। ध्यान रखें अंतिम शाखा आप लोग कौन सी शाखा है, मांडुकायन। चलें आगे देखते हैं, अब यहां पर केवल शाखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी थी। अब देखते हैं ऋग्वेद की विषय वस्तु और प्रतिपाद्य विषय, ऋग्वेद में क्या क्या विषय वर्णित हैं। तो देखें यास्क के अनुसार जो महर्षि यास्क हैं उन्होंने कहा है इसमें प्रत्यक्ष कृत वर्णन है, परोक्ष कृत वर्णन है और आध्यात्मिक वर्णन है। और जो प्रसिद्ध विद्वान घाटी थे उनके अनुसार धर्म निरपेक्ष वर्णन है, धार्मिक वर्णन है और दार्शनिक सूक्तों का वर्णन है। डॉक्टर विंटर नित्य के अनुसार यह काव्यात्मक गीत है, यज्ञीय स्तुतियां हैं इसमें, दार्शनिक स्तुतियां हैं, संवाद सूक्त है, धर्म निरपेक्ष सूक्त है और ऐन्द्रजालिक मंत्रों का वर्णन है और दान आदि की स्तुति की गई है। तो इस प्रकार से जो प्रसिद्ध विद्वान थे इनके अनुसार और आचार्यों के अनुसार इन ऋग्वेद का, इस ऋग्वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, मतलब ऋग्वेद में इनका वर्णन है। अब देखें जो पहला एक सूक्त है धार्मिक सूक्त, अपन अलग अलग प्रकार से विभाजित करके ऋग्वेद को समझेंगे। तो यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या धार्मिक सूक्त के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग मतलब यदि धार्मिक सूक्त के हिसाब से देखें तो धार्मिकता का वर्णन कहां कहां है, कहां कहां है इस प्रकार से, तो ये समझेंगे कि इन सूत्रों में देवों को संबोधित करते हुए इनकी स्तुति की गई है। मतलब यदि अपन अलग अलग प्रकार से समझें धार्मिक सूक्त और भी जो अलग अलग सूक्त हैं, तो इन सूक्तों के हिसाब से यदि समझें तो यहां पर अलग अलग वर्णन उपस्थित होते हैं और उन वर्णनों को अब यहां पर अपन देखेंगे क्रमशः। तो पहले अपन धार्मिक सूक्त के हिसाब से देखते हैं, तो धार्मिक वर्णन क्या क्या है। तो धार्मिक सूक्तों में देवताओं का वर्णन है,
इन सूक्तों में देवों की स्तुति की गई है, देवों को संबोधित करते हुए एक अच्छे तरीके से, मतलब बढ़िया स्तुति की गई है, और देवों को जो हवि आदि पहुंचाई गई है और यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। देखें, जो देवता हैं इन्हें प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित किया है। तीन भागों में कैसे? तो पहला पृथ्वी स्थानीय, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय और तीसरा दीव स्थानीय, तीन प्रकार से विभाजित किया है। तो पृथ्वी स्थानीय में तो अग्नि आती है, अंतरिक्ष स्थानीय में वायु और इंद्र, और दीव स्थानीय में जो है सूर्य आता है। ये प्रमुख रूप से है। तो पृथ्वी स्थानीय में अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देव में वायु और इंद्र, और दीव स्थानीय में सूर्य आता है। अब देखें आगे, ये प्रमुख चीज है। यहां पर जो प्रोफेसर मैकडोनाल्ड थे, इनके अनुसार वेदों को, देवों को, वेदों में जो देवों का वर्णन है उनको आठ भागों में विभाजित किया गया है। तो देखें, जो दीव स्थानीय देव हैं, दीव स्थानीय कौन कौन से हैं? एक तो द्यौ, दूसरा वरुण, मित्र, सूर्य, शवित्री, पूषण, विष्णु, विवस्वत, आदित्यगण, उषस और अश्विनी। तो इस प्रकार से यह तो थे दीव स्थानीय। अब आगे देखें, अंतरिक्ष स्थानीय की कोटि में किन्हें रखा? तो अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र, अपानपात, मातृश्वन, अहरबुद्ध, अज एक पात, रुद्र, मरुतगण, वायु, परेजन्य और आप। इस प्रकार से अंतरिक्ष स्थानीय देवों में रखा है। अब देखें पृथ्वी स्थानीय देवता, तो पृथ्वी स्थानीय देवता में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम और जो नदियां आदि हैं वह पृथ्वी स्थानीय देवता के अंतर्गत। अब चौथा अमूर्त देवता कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत प्रजापति, दूसरे विश्वकर्मा, तीसरे त्वष्टा, फिर मन्यु, अदिति और श्रद्धा, यह देवता आते हैं। अब देवियां कौन कौन सी हैं? अलग देवियों का भी विभाजन कर दिया कि देवियां भी हैं। तो उषस, वाक, सरस्वती और रात्रि देवियों का वर्णन है। अब देखें इंद्र आगे, और युगल देवता हैं। युगल देवता कौन कौन से हैं? तो इंद्राणी युगल हैं, इंद्र, इंद्र विष्णु युगल हैं, मित्रावरुण युगल हैं, अग्नि शोमऊ, यह भी युगल देवता हैं। अब देखें और देवगण कौन कौन से हैं? तो रुद्र आदित्य, रुद्र आदित्या, विश्वदेवाह और वशवाह। इस प्रकार से तो यह है केवल देवगण। और अवर देव के नाम से भी हैं और अन्य देव कौन कौन से हैं? तो वो गंधर्व हैं, अप्सरस हैं और ऋभुगण। इस प्रकार से वह अवर देव की कोटि में आते हैं। अब देखते हैं आगे, ये तो था देवताओं का वर्णन। अब जो अगले सूक्त में विभाजित किया था वह दार्शनिक सूक्त के हिसाब से देखें। तो दार्शनिक सूक्त कौन कौन से यहां पर प्राप्त होते हैं? तो दार्शनिक सूक्तों में एक तो नासदीय सूक्त, देखते हैं यहां क्रम से, दार्शनिक सूक्तों में नासदीय सूक्त, फिर हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और बाक सूक्त। अब दार्शनिक सूक्तों में कैसे विभाजित किया? तो जहां पर दार्शनिक तत्वों का विवेचन हो, जिन जिन सूक्तों में दार्शनिक तत्वों का विवेचन होता है वह दार्शनिक सूक्त के हिसाब से माने जाएंगे, और इन्हें यहां अलग कर दिया दार्शनिक सूक्तों को। तो दार्शनिक सूक्तों में नासदीय सूक्त, यह दसवें मंडल के 129वें सूक्त में, तो ये इस दसवें मंडल के 129वें सूक्त को नासदीय सूक्त कहा जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्त इसी प्रकार से दसवें मंडल का 131वां सूक्त, पुरुष सूक्त दसवें मंडल का 90वां सूक्त, और फिर अगला है वाक सूक्त। आगे देखें लौकिक सूक्त कौन कौन से हैं? तो लौकिक सूक्त जिनमें लौकिक वर्णन हो, मतलब लौकिक वर्णन कैसा? दिनचर्याओं का वर्णन, लौकिक दिनचर्याओं का वर्णन जिनमें हो वह लौकिक सूक्त कहलाते हैं। तो लौकिक सूक्त ऋग्वेद संहिता में कौन कौन से हैं? तो देखें विवाह के सुंदर कवित्व में विधि से संबद्ध सूक्त, मतलब विवाह आदि का सुंदर वर्णन है और कवित्व रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यह दसवें मंडल के पचासीवे सूक्त से। देखें आगे राजा की प्रशस्ति, तो यह दसवें मंडल का 73वां 74वां सूक्त है,
मनः आवर्त सूक्त भी इसी से संबंधित है, जो कि दसवें मंडल का 58वां सूक्त है। अब लौकिक वर्णन और क्या क्या है, तो अक्ष सूक्त में लौकिक वर्णन है। इस अक्ष सूक्त में, ये अक्ष सूक्त एक तो दसवें मंडल का 34वां सूक्त है, यह भी एक लौकिक वर्णन है। और शरीर के विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विवरण अक्ष सूक्त में अलग वर्णन है और ये अलग है। तो यहां पर शरीर के विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विवरण दसवें मंडल के 163वें सूक्त में है, केवल लौकिक बातों का वर्णन इसमें है। और यह जो अगला सूक्त है सप्तघ्न सूक्त, इसमें भी यही लौकिक वर्णन है, दसवें मंडल का 166वां सूक्त। व्याधि हरण उपाय दसवें मंडल के 61वें सूक्त में है। औषधि सूक्त है, औषधियों का वर्णन है दसवें मंडल के 97वें सूक्त में। और मंडूक सूक्त, तो इस प्रकार से यह सूक्त जो है इनमें केवल लौकिक वर्णन प्राप्त होता है। अब देखें, यहां केवल हमने इस प्रकार से समझा कि एक तो लौकिक वर्णन समझ लिए और दार्शनिक वर्णन समझ लिए। लौकिक वर्णन और दार्शनिक वर्णन के बाद अब देखते हैं क्रमशः। तो यहां पर एक केवल जनरल इंफॉर्मेशन है, एक तो प्रथम मंत्र ऋग्वेद संहिता का प्रथम मंत्र क्या है, अग्नि मीले पुरोहितम। और अंतिम मंत्र कौन सा है, तो समानी वह आकूति, यह अंतिम मंत्र है। महिला ऋषिकाएं कितनी हैं, तो कुल 21 महिला ऋषिकाएं हैं। महिला ऋषिकाओं का वर्णन 21 का किया गया है, जिसमें लोपामुद्रा, शर्मा, यमी, नदी, सूर्या, उर्वशी, इंद्राणी, इस प्रकार से। अब देखें, अब यहां पर समय निर्देशित किया गया है कि ऋग्वेद का जो समय है वह समय क्या माना जाए, ऋग्वेद का समय क्या माना जाए। तो प्रमुख आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से समय बताया है। यहां जो स्वामी विवेकानंद जी थे, दयानंद जी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सृष्टि के आरंभ से बताया है। दीनानाथ शास्त्री ने चुलेट नाम से प्रसिद्ध थे, इन्होंने 3,00,000 वर्ष पूर्व बताया है। अविनाश चंद्रदास जी थे, उन्होंने 25,000 ईसा पूर्व बताया है। नारायण भवनराम पावगी जो थे, उन्होंने 7,000 ईसा पूर्व बताया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 6,000 ईसा पूर्व बताया है। डॉक्टर आर जी भंडारकर, इन्होंने 6,000 ईसा पूर्व बताया है। याकोबी जी जो थे, इन्होंने 4,500 से 2,500 ईसा पूर्व बताया है। और विंटरनित जी, इन्होंने इन पाश्चात विद्वानों ने 2,500 ईसा पूर्व बताया है। मैक्स मूलर जो थे, इन्होंने 1,200 ईसा पूर्व बताया है। इस प्रकार से यह वर्णन प्राप्त होते हैं। अभी इसके पहले हमने यहां पर प्रमुख सूक्तों के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखते हैं जो अगला सूक्त है, एक प्रमुख सूक्त है संवाद सूक्त। तो अब यहां पर संवाद सूक्त के बारे में देखते हैं। संवाद सूक्त में कथोपकथन की प्रधानता होती है, मतलब केवल संवाद रहता है, किन्हीं काफी दो लोगों का संवाद होता है। संवाद नाम से ही आपको समझ जाना है कि संवाद सूक्त। लगभग यह 20 सूक्तों में संवाद सूक्त माना गया है, मतलब संवाद सूक्त जो है 20 सूक्त में प्राप्त होता है। और इसका दूसरा नाम जो है वह आख्यान सूक्त भी है, इसे आख्यान सूक्त के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आख्यान सूक्त से भी अपन जान सकते हैं। और यह ऋग्वेद का प्रमुख है, आप लोग परीक्षा की दृष्टि से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण समझें, और यह हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखें आख्यान सूक्त से, तो इंद्र मरुत संवाद, मतलब इंद्र का और मरुत का संवाद, जो कि पहले मंडल में 165 से 170 वे सूक्त में प्राप्त होता है। और अगस्त्य और लोपामुद्रा, इनका संवाद पहले मंडल के 179 वे सूक्त में इनका वर्णन प्राप्त होता है। अगला देखें विश्वामित्र और नदी संवाद, विश्वामित्र का और नदी का संवाद, मतलब महर्षि विश्वामित्र जी का और नदी का संवाद, ये तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में प्राप्त होता है। अगला देखें पुरोर्वा और उर्वशी, जो पुरोर्वा थे और उर्वशी, इनका जो संवाद है यह 10वें मंडल के 95वें सूक्त में प्राप्त होता है। यमी संवाद 10वें मंडल के 10वें सूक्त में इनका संवाद प्राप्त होता है। और शर्मा पाणी जो संवाद है यह भी 10वें मंडल के 30वें सूक्त में यह प्राप्त होता है। देखिए पांचवें जो देव है वह वरुण, इनकी 12 सूक्तों में स्तुति की गई है, और अन्य 24 सूक्तों में भी इनकी स्तुति प्राप्त होती है, अलग से इनका वर्णन मिलता है। यह द्यू स्थानीय देवता हैं और नैतिक प्रशासक कहा जाता है इन्हें।
यह नैतिक प्रशासक कहे जाते हैं और धृत व्रत भी इन्हें कहा जाता है, प्रकाश शील कहा जाता है और नियम चक्र का पालनकर्ता कहा जाता है, पूत दक्षः इनका नाम है, सुक्रतु भी इन्हें कहा जाता है और चिकित्वान भी कहा जाता है और अरुत वक्षस भी इन्हें कहा जाता है और सहस्र चक्षः भी इन्हें कहा जाता है। यह सज्जनों का वर्ण करता है और मूर्त जल से लोक को आवृत करता है, पापियों को बंधन से मुक्त करता है, देखते न्याय क्रमशः पापियों को बंधन से आवृत करता है और संसार के अंधकार को अलग करता है। इस प्रकार से जो अगले हैं वह है सबिता, इनकी 11 सूक्तों में स्तुति की गई है, यह भी द्यु स्थानीय देवता है। सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के समय आकाश में फैली हुई लालिमा जो है वह सबिता कहलाती है और शौर देवता में एक विष्णु, सबिता, सूर्य, पुषण और मित्र, इस प्रकार से इनके नाम भी हैं, इन्हें पुषण मित्र आदि भी कहा जाता है। आगे देखें कार्य इनके क्या है, तो प्रकृति की उत्पादक प्रेरक, यह प्रकृति की उत्पादक है, प्रेरक है, नियामक है और संसार का अधिपति भी इसे कहा जाता है, जो सबिता है इसे संसार का अधिपति भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो सातवा देखें यह है सूर्य, सूर्य की उपासना जो है स्तुति यह 10 सूक्तों में की गई है, यह द्यु स्थानीय है, इनके जो द्यु हैं यह पिता है इनके और अदिति इनकी माता है, उषा पत्नी है, उत्पत्ति पुरुष के नेत्र से कही गई है। ये 7 कर्ण ही 7 अश्व हैं, जो सूर्य की 7 कर्ण हैं वह 7 अश्व हैं। आगे देखें कार्य क्या है, तो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करना इनका कार्य है। आगे देखते हैं क्रमशः जो पूषा है, द्यु स्थानीय देव है, सर्वद्रष्टा भी इसे कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है, शासक कहा जाता है और मार्गों का अध्यक्ष कहा जाता है या फिर पथस्पति भी इसे कहा जाता है या फिर मार्गों का अध्यक्ष और पशुओं का रक्षक कहा जाता है, प्रमुख है पशुओं का रक्षक पूषा, और 8 सूक्तों में इसका वर्णन है या फिर इनका वर्णन प्राप्त होता है। और सूर्य की पोषण शक्ति और अभ्युत कारक इनका प्रमुख कार्य है। आगे देखें जो कि अगला है मित्र सूक्त, मित्र सूक्त में एक तो इसका वर्णन केवल एक ही सूक्त में प्राप्त होता है मित्र का, और तीसरे मंडल का जो कि 59वां जो सूक्त है, तीसरे मंडल का 59वां सूक्त, उसमें केवल यह प्राप्त होता है। देखें इनके जो अपर नाम है, दूसरे नाम सर्वमित्र भी इन्हें कहा जाता है, परम दयालु भी कहा जाता है और अत्यंत उदात्त कहा जाता है। आगे देखें मित्र के बाद अश्वनव, तो अश्वनव का जो यह देवता है अश्वनव, इनकी 50 सूक्तों में स्तुति की गई है, यह द्यु स्थानीय है, युग्म रूप कहा जाता है, सदा तरुण कहा जाता है, सदा कहा जाता है, सदा साथ कहा जाता है, द्यु के पुत्र हैं यह, उषा इनकी बहन है और पूषा इनका पुत्र है, जो पूषा है इनके पुत्र हैं और रथ स्वर्णिम व शीघ्रगामी, इनका रथ जो है वह स्वर्णिम है और यह शीघ्रगामी है, और देवताओं के चिकित्सक दस्त्र कहे जाते हैं यह और शक्ति से संपन्न है, इस प्रकार से यह इनकी विशेषताएं हैं। आगे देखें जो प्रमुख हैं वह इनके नाम कहे गए हैं, नामों से ही लगभग नाम ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले देखें मरुत, जो कि इनकी 33 सूक्तों में स्तुति की गई है, अंतरिक्ष स्थानीय है, ध्यान रखना अब यहां पर अंतरिक्ष स्थानीय देवों का वर्णन है, तो यह अंतरिक्ष स्थानीय है और देव समूह रुद्रपिता और प्रश्नी माता, मतलब इनका देव समूह जो कि है और रुद्र इनके पिता हैं और प्रश्नी इनकी माता हैं और रेदसी इनकी पत्नी हैं, बाघप्रिय पनस्यु भी इन्हें कहा जाता है और अरविण्य भी कहा जाता है और त्वेष भी इन्हें कहा जाता है, इस प्रकार से। और इनका मुख्य कार्य क्या है, तो इनका मुख्य कार्य वर्षा करना है और वायु का प्रतिनिधि भी कहा जाता है और झंझावात का देवता कहा जाता है, युद्ध का देवता भी कहा जाता है और प्राणों का देवता भी कहा जाता है, इस प्रकार से। आगे देखें जो 12वें नंबर के हैं वह हैं रुद्र, रुद्र की 3 सूक्तों में केवल स्तुति की गई है, यह भी अंतरिक्ष स्थानीय देव हैं जो कि प्रमुख है, यह यही परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह मरुत के पिता हैं, इन्हें
बभ्रू वर्णी कहा जाता है, श्वेत वर्णी कहा जाता है और पशुप कहा जाता है, और प्रकृति के संहारक और विध्वंसक भी यह कहे जाते हैं। इस प्रकार से इन्हें भयावह देव कहा जाता है और भय निवारक हेतु इनकी इसलिए रक्षा भय निवारण करने के लिए और रक्षा हेतु इनकी स्तुति की जाती है। अगला देखें अंतिम जो कि सोम है। सोम का वर्णन संपूर्ण नौवे मंडल में प्राप्त होता है। यह पृथ्वी स्थानीय और द्यु स्थानीय दोनों कहे जाते हैं। सोमलता मंजुवान पर्वत पर उत्पन्न कहा जाता है। सुमेधा स्वाध्य वरिवोरित वरिवोवित्तर उरुष्यव ऋदुदरह, यह इनके अलग अलग नाम हैं। ऋदुदरह स्वाध्याय सुमेधा, यह इनके अलग अलग नाम हैं। इनका प्रमुख कार्य है रोग से मुक्ति। इनकी विशेषता यह है रोग से मुक्ति के लिए इनकी उपासना की जाती है, आयु वृद्धि के लिए और दिव्य पौधों के लिए आरोपण आदि के लिए भी, और शयन पक्षी लाया जाता है दिव्य पौधे आरोपण के लिए भी और शयन पक्षी आदि लाया जाता है। इस प्रकार से यह, लेकिन इनकी प्रमुख विशेषता जो है वह है रोग से मुक्ति। रोग से मुक्ति इनकी प्रमुख विशेषता है और आयु में वृद्धि के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। दोस्तों इस प्रकार से यह देवताओं का जो अन्य परिचय था वह यहां पर अपन ने देखा। अब आगे देखते हैं, यहां ऋग्वेद की प्रमुख सूक्तियां देखते हैं, जो कि सबसे प्रमुख सूक्ति है कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस प्रकार से यह जो सूक्ति है यह प्रमुख सूक्ति है और हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। कस्मै देवाय हविषा विधेम पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च वहव्यम, यह भी पूछी जाती है। यह एक तीसरे नंबर की सूक्ति जो है चत्वारी श्रृंगा त्रियुष पादो द्वे शीर्षे सप्त, इस प्रकार से यह भी पूछी जाती है। चौथी सूक्ति जो है केवलाघो भवति केवलादि, यह भी पूछी जाती है। नारते शांतस्य सख्याय देवः, यह भी पूछी जाती है। नावैस्त्रणानि सख्यानि संति, यह भी अधिकतर पूछी जाती है। और दशाश्याम पुत्राणाधेहि पतिमेकादशम क्रधि, यह भी पूछी जाती है। अंतिम जो सूक्ति है कारुरहम ततो विष गोपल प्रक्षणी नना, यह सूक्ति भी प्रमुख सूक्ति है और यह सूक्ति भी हमेशा पूछी जाती है। मित्रों यह कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं। आगे देखें ऋग्वेदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं, जो ऋग्वेद के समय पर जो धर्म था या ऋग्वेद में जो धर्म का वर्णन किया गया है उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें मूर्ति पूजा नहीं थी, मतलब किसी भी जगह मूर्ति पूजन का वर्णन नहीं मिलता है। जो मूर्ति पूजा थी वह बाद में आई, या फिर ये कह दें कि जैनों ने या फिर जैन संप्रदाय को जो मानने वाले थे उन्होंने लगभग मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया। आगे देखें पुरुष प्रधान नारी का स्थान न्यून, मतलब पुरुष प्रधान समाज का वर्णन ज्यादा है, नारी का स्थान यहां पर बहुत न्यून बताया है, मतलब नारी को न्यून स्थान दिया है। यज्ञ प्रधान धर्म था उस समय पर, पुरोहितों का कोई स्थान नहीं था और सदाचारी को मृत्यु के पश्चात अमृत स्थान प्राप्त होता था, मतलब कि जो सदाचारी व्यक्ति था उसे मृत्यु के पश्चात उच्च स्थान की प्राप्ति होती थी। तो इस प्रकार से यह ऋग्वेद की प्रमुख विशेषताएं थी। और अब हमने यहां पर ऋग्वेद संबंधी अधिकतर तथ्यों को पढ़ लिया है। अब आगे कुछ जो प्रश्न है पूछे जाते हैं उन कुछ 50 प्रश्नों के बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो यह कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। संप्रति कति वेदाः वर्तन्ते, वेद कितने होते हैं? तो 4। वेदत्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ध्यान से ऑप्शन देखते जाएं, ऋग्वेद में 3 आते हैं वेदत्रयी में, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो चारों में से ऋग्वेद। वेद शब्दस्य अथर्म विलक्ष्य सायणाचार्यण कह उक्तम, तो यह वेद शब्द का अर्थ सायण आचार्य ने क्या कहा है? तो देखें यहां पर अलग अलग दिए हुए हैं, अपौरुषेय वाक्यम वेदः, यह सायण आचार्य ने कहा है। ऋग्वेदस्य मंडल क्रमे कति मंडलाः समुपलभ्यन्ते, बिल्कुल सरल है, 10 मंडल प्राप्त होते हैं, अष्टक क्रम में 64 अष्टक हैं। क्रमशः देखते हैं जल्दी जल्दी, ऋग्वेदस्य संपूर्ण मंत्र, ऋग्वेद में जो भी संपूर्ण मंत्र है उनकी संख्या क्या है? तो 10,580 सही 1/4 जो कि मंत्रों की संख्या है। पतंजलेह महाभाष्य ऋग्वेदस्य कति शाखाः स्वीकृताः, पतंजलि जो थे महर्षि पतंजलि उन्होंने अपने महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं स्वीकृत की हैं, मतलब कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो 21 शाखाएं मानी हैं।
ऋग्वेदस्य ऋत्विक कः अस्ति, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता, होता ऋग्वेद का ऋत्विक है। ऋग्वेदक शाखा कः का अस्ति, ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? अपन ने 5 शाखाएं पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा, आश्वलायन जो शाखा है, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन, इस प्रकार से। तो यह जो आश्वलायन शाखा है यह ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेदक साकल संहिताया पद पाठः केन कृतः, किसने किया? तो साकलेन, साकल ने किया। ऋग्वेदस्य अष्टम क्रमे कति अनुवाकः प्राप्यन्ते, कितने अनुवाक प्राप्त होते हैं? 85 अनुवाक प्राप्त होते हैं। ऋग्वेदस्य अष्टक क्रमे कति अष्टकाः विद्यन्ते, कितने अष्टक प्राप्त होते हैं? 8 अष्टक हैं। ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा कौन सी है? समुपलब्ध अभी जो प्रचलन में है वह कौन सी शाखा है? तो साकल शाखा, अपन ने पढ़ा था साकल शाखा है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से देखें अगला प्रश्न। 400 ईसा पूर्व इति वैदिक रचना कालाह केन विदुषाम कृतः, किसने किया? 400 ईसा पूर्व पुराना है ऋग्वेद, तो तिलक महोदय ने। 1500 से 1200 ईसा पूर्व वैदिक काल की रचना किसने स्वीकार की? वेबर महोदय ने। इस प्रकार से कयो द्वयोः विद्वान विदुषोः ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समान वर्तते, तो जैकोबी और तिलक महोदय की एक सी समय, मतलब जो एक सा समय इन्होंने माना है दोनों ने। इस प्रकार से देखते हैं क्रमशः, जो कि वेबर महोदय, जैकोबी महोदय ने और तिलक महोदय ने एक जैसा माना है। मांडुकायन शाखा संबद्ध वेदा वेद विशेषा कहा, मांडुकायन शाखा कहां पर प्राप्त होती है? ऋग्वेद में। सांख्यायन शाखा संबद्ध वेद विशेषा कहा? ऋग्वेद। मैक्स मूलर महोदयन ऋग्वेदिक कालखंड, मतलब मैक्स मूलर ने क्या माना है टाइम? तो 1200 से 1000 ईसा पूर्व। और कात्यायन प्रणीत ऋग्वेदिक सर्वानुक्रम्य अनुसारेण सतर्चिनाम मंडल कह, मतलब कात्यायन के अनुसार प्रमुख मंडल क्या है? तो यह द्वितीय मंडल प्रमुख माना है कात्यायन ने। और अगला देखें, ऋग्वेदे गाढ़समदः मंडलम कति इति कस्य मंडलस्य अभिधान विशेषः, जो गाढ़समद ऋषि हैं यह किस मंडल से, किस मंडल की रचना की है गाढ़समद ऋषि ने? तो द्वितीय मंडल के यह प्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के देव विशेषः कः? विश्वामित्र हैं। किम नाम चतुर्थ मंडलम तु वेदस्य, चौथे मंडल का नाम क्या है? वामदेवम, वामदेवम। अगला देखें, ऋग्वेद संहितायां पंचमम मंडलम आत्रेयम, पांचवा मंडल आत्रेय है। भारद्वज मंडलमिति विश्रुतम वैदिक मंडलम, भारद्वज मिति विश्रुतम, जो भारद्वज हैं इनका कौन सा मंडल है, कौन सा मंडल इन्होंने, मतलब इसके देव वो कहे जाते हैं, ऋषि कहे जाते हैं भारद्वज, तो षष्ठम मंडल के। किम नाम सप्तमम मंडलम, जो सातवां मंडल है उसका नाम क्या है? तो वशिष्ठ, वशिष्ठ मंडल है। अनुक्त गोत्रात्मक मंडल ऋग्वेदस्य किम, अनुक्त गोत्रात्मक मंडल कौन सा है? तो जो अष्टम मंडल है वह अष्टम मंडल गोत्रात्मक मंडल कहा जाता है। चलें आगे देखते हैं, यहां पर क्रमशः एक एक प्रश्न। ऋग्वेदे पवमान संज्ञक मंडलम किम, अपन ने पढ़ा था पवमान संज्ञक मंडल कौन सा है? तो पवमान संज्ञक मंडल नौवां मंडल। किम मंडलम अर्वाचीनम प्रक्षिप्तम च मन्यते, अर्वाचीन और प्रक्षिप्त मंडल कौन सा मानते हैं वैदेशिक, विदेशी लोग? तो दसवां मंडल। अब देखें अगला, अर्च ज्योतिष इत्यस्य ज्योतिष वेदांगस्य प्रणेता कः, जो इस ज्योतिष वेदांग के प्रणेता कौन से हैं आर्च ज्योतिष के? तो लग्धाचार्य जो है वह आर्च ज्योतिष के प्रणेता है। ऋग्वेदस्य प्रातिशाख्य ग्रंथ किम नास्ति, ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो यहां पर ऋग प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है वह नहीं है। आगे देखें, यहां पर एक तो स्थापना और तर्क दिया गया है, देखें ध्यान से। महाभाष्य महर्षि पतंजलिना एक विंशति शाखा नाम उल्लेख करता, मतलब महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने 21 शाखाओं का वर्णन किया, और वर्तमान समय वास्कल शाखैव उपलभ्यन्ते। तो क्या देखते जाए नीचे उत्तर में, क्या पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों उभय सत्य स्तः दोनों सत्य हैं? ध्यान से क्रमशः देखते जाए, ए सत्य है आर असत्य है,
या फिर उभय असत्य, मतलब दोनों असत्य हैं। तो यहां पर पहला सत्य है, क्योंकि अपन ने पढ़ा भी है कि मतलब महर्षि पतंजलि ने 21 शाखाओं का उल्लेख किया है और नीचे वाला गलत है। आगे देखें जो 35वां है प्रश्न, वह भी केवल वो सैम बिल्कुल ऐसा ही सूत्र है। प्रश्न है, यजुर्वेदस्य प्रतिपाद्य विषयः कर्मकांडो नास्ति, कर्मकांडो अस्ति, मतलब यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह कर्मकांड है और शिव संकल्प सूक्त का वर्ण विषय एव वर्तते, जो शिव संकल्प सूक्त है उसका वर्णन मेव वर्तते, मतलब शिव संकल्प सूक्तस्य, शिव संकल्प सूक्त का वर्णन वर्णन अत्र एव वर्तते, मतलब शिव संकल्प सूक्त का वर्णन भी इसी प्रकार का है, अत्रैव वर्तते। तो क्या है, उभये सत्येस्तः, दोनों सही हैं, मतलब शिव संकल्प सूक्त में भी इसी प्रकार का वर्णन है और यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है, दोनों सही हैं। चले इस प्रकार से यह प्रश्न हुए। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न और रह गए हैं। संहितायाम विकृति पाठेषु कति प्रकाराः प्राप्यन्ते, विकृति पाठ के कितने प्रकार प्राप्त होते हैं संहिता के, तो 8 प्रकार। पुरोर्वा और उर्वशी संवाद सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रमः अस्ति, जो पुरोर्वा और उर्वशी संवाद है यह कहाँ प्राप्त होता है, तो 10वें मंडल के 95वें सूक्त में प्राप्त होता है। यम यमी संवाद कहाँ प्राप्त होता है, 10वें मंडल के 10वें सूक्त में प्राप्त होता है। सर्मापाणी कहाँ प्राप्त होता है, 10वें मंडल के 108वें सूक्त में प्राप्त होता है। विश्वामित्र नदी संवाद कहाँ प्राप्त होता है, तो यह 3रे मंडल के 33वें सूक्त में प्राप्त होता है। ओचित सखायाम संख्या व वृत्याम, यह मंत्र किस सूक्त में उपलब्ध होता है, तो यह यम यमी संवाद सूक्त में उपलब्ध होता है। इस प्रकार से यह भी जो एक मंत्र दिया हुआ है, प्रपर्वताना मुशति उपस्था दश्वे इति मंत्र कस्मिन सूक्ते संप्राप्यन्ते, यह कहां पर प्राप्त होता है, तो यह विश्वामित्र और नदी जो संवाद सूक्त है उसमें प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ 50 जो प्रश्न है वह यहां पर समझे, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे संबंधित मैं और भी वीडियो आगे निकालूं, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सीधे हमसे जुड़ पाएंगे। दोस्तों मैंने अभी तक वेदों को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो पुस्तकों से जानकारी इकट्ठी की उसको ही यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, जो कि मेरी कुछ अशुद्धियां भी हैं इसमें बोलने में, क्योंकि मैं मतलब वेदों का जो पाठ है वह मैंने अभी तक कभी नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों।